गुड इवनिंग। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की एक इंटरेस्टिंग क्लास है। आज की एक अलग दृष्टिकोण से हम आधुनिक भारत को समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जो अक्सर परीक्षा में आता है, वह सवाल आपका होता है विथ रेफरेंस टू द वेरियस चार्टर एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। यह सवाल अक्सर परीक्षा में आता है और यह थोड़ा सही होना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें तथ्य एक जगह कम मिलते हैं। तो हम यह समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम इस चैप्टर को हम मॉडर्न इंडिया से ऐड करके देखने की कोशिश करें, तो यह चैप्टर यह बताता है कैसे ब्रिटिश आधिपत्य भारत में मजबूत हुआ, किस तरह से ब्रिटेन ने भारत पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अगर हम स्टार्ट करें, तो शायद वहां से हमको यह दिखना शुरू हो जाता है कि कैसे भारत में ब्रिटिश सत्ता आधिपत्य में आती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में होता क्या है, इफ वी सी द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, आप लोग देखें, मैंने वहां लिखा हुआ है उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया। उसमें पार्लियामेंट ने ग्रांट किया कंपनी को मोनोपोली ऑफ ट्रेड फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो अगर हम पहली ही बात देखें जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमको प्रदान करता है, उसमें कंपनी ने उसमें ब्रिटिश शासन ने कंपनी को 20 साल के लिए सत्ता प्रदान कर दी। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर रीडिंग हियर, अंडरस्टैंड हियर, कि कंपनी ने 20 साल के लिए सत्ता प्राप्त कर ली। तो पहली ही बात जो सबसे महत्वपूर्ण रूप में आपको दिखाई देती है कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो 1773 में कंपनी को 20 साल ट्रेड मोनोपोली ट्रेड, अगर मैं बोर्ड सामने आया हूं आप लिख दीजिएगा 20 ईयर्स। तो पहली बात क्या है कि कंपनी को 20 साल के लिए ट्रेड पर मोनोपोली प्रदान कर दिया जाता है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इट इज अ रेगुलेटिंग एक्ट, इट इज द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो था, उसमें पार्लियामेंट ने ग्रांट किया कंपनी को मोनोपोली ऑफ ट्रेड फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के प्राप्त किया, और 1793 में यह एक्सपायर हो गया। और 1793 में दूसरा चार्टर आता है, 1793 में एक दूसरा चार्टर आता है। तो 1793 का जो चार्टर आता है, उसमें वह 20 साल का जो ट्रेड का टाइम था, ये नेक्स्ट 20 ईयर, 20 साल का ट्रेड का टाइम फिर से रिन्यू कर दिया जाता है, और 20 साल का और काम कंपनी को दिया जाता है कि कंपनी एक्सटर्नल और जो 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 फ्रॉम 1793 जो कंपनी का चार्टर रिन्यू किया गया, उसका मतलब क्या हो कि 20 साल के लिए कंपनी को और अधिकार दे दिया गया ट्रेड मोनोपोली के लिए। और चार्टर्ड एक्ट जो 1793 था, इसने कई तरह की बातें हमारे सामने प्रस्तुत की। तो जो चार्टर एक्ट जो कंपनी के विरोधी थे, जो कंपनी के विरोधी थे, वो ट्रेड मोनोपोली को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो ट्रेड मोनोपोली खत्म करना आसान नहीं था। उसका कारण क्या था कि जो कंपनी थी उस समय बड़ी ताकतवर थी। तो 1793 में 20 साल के लिए फिर प्राप्त हुआ, और उसने साइड बाय साइड जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे इंग्लैंड में, उनको परमिशन दिया टू ट्रेड इन द ईस्ट, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट लिए, अप टू 3,000 टन ऑफ शिपिंग, ओनली 3,000 टन ऑफ शिपिंग। इसको आप याद रखिएगा, यही आपका सवाल गलत कराएगा, यही आईएस पीसीएस में तो संभावना कम है, आईएस में आपका सवाल यही गलत कराएगा। 1793 में जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, वह 20 साल के लिए एक्सटेंड की गई, लेकिन उसके साथ साथ साइड बाय साइड उन्होंने प्राइवेट ट्रेड को अलाउ किया, लेकिन बहुत लिमिटेड एक्सटेंड में 3000 टन शिपिंग तक ही अलाउ किया। तो पहली बात पूछ चीज क्या हो गई कि 1793 में कंपनी तमाम विरोधों के बावजूद कंपनी अपनी ट्रेड मोनोपोली को बरकरार करने में सावधान रही, लेकिन उसका जो पूर्व के साथ व्यापार था वो 3000 टन तक किसके लिए, अदर ट्रेडर्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदर ट्रेडर्स, क्लियर हो रहा है।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को 20 साल की ट्रेड मोनोपोली प्राप्त होती है। 20 साल बाद जब दोबारा फिर से यह चार्टर रिन्यू का समय आता है 1793 में, तो तमाम विरोधों के बावजूद कंपनी फिर से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने में सफल हो जाती है। लेकिन उसके साथ साइड बाय साइड जो प्राइवेट ट्रेड थे उन्होंने अलाउ किए, लेकिन क्या है, ओनली 3000 टन तक के लिए। तो आप कह सकते, अब आप अगर आपका सवाल में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों आएगा तो आपके लिए दिक्कत होगी अगर आप इस तथ्य पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो। तो इसलिए इस तथ्य पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता है कि क्या फर्क आया। जो 1793 का एक्ट था उसमें जो सैलरीज थे मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, स्टाफ को, वह किस हो गए, इंडियन रेवेन्यू पे। अब सैलरीज कहां हो गई इस एक्ट में, जो सैलरीज कहां कर गई, सैलरीज जो तनख्वाहें थी कहां, इंडियन रेवेन्यू पे। जो तनख्वाहें थी वह इंडियन रेवेन्यू पे चार्ज होगी। तीसरा महत्वपूर्ण 1793 के एक्ट में क्या किया कि जो सैलरीज थी मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टाफ के, किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ, जो उसकी सैलरी थी कहां चार्ज होगी, वह इंडियन रेवेन्यू पर चार्ज होगी, भारतीय करदाताओं पर चार्ज होगी। और जो क्राउन का एक्सपेंस है वह कौन पे करेगा, वह कंपनी पे करेगी। जो राजा ताज का खर्चा है कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, पे बाय कंपनी। क्लियर हो रहा है? तो जो क्राउन का एक्सपेंडिचर है वह कौन पे करेगा, वह कंपनी पे करेगी। और क्राउन को इस बात का अधिकार दिया गया टू डाइवर्ट रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया टूवर्ड्स द डिफेंस ऑफ इंडिया इफ एंड व्हेन नेसेसरी। जो रेवेन्यू है वह क्राउन डाइवर्ट कर सकता है, रेवेन्यू क्राउन डाइवर्ट कर सकता है। अब इसका असर क्या हुआ, साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को बल मिला, क्योंकि उसको यह अधिकार मिल गया कि वह रेवेन्यू को डिफेंस के नाम पर वह डाइवर्ट कर सकता है। और एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोविजन क्या आया, एनहेंसमेंट ऑफ द पावर ऑफ गवर्नर जनरल ओवर द प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटिंग टू फॉरेन पॉलिसी के मैटर पे गवर्नर जनरल को पावर दी गई। मेरे ख्याल से इतने में काम आप हो जाना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी के मैटर पे गवर्नर जनरल को पावर दी गई। तो अगर हम इस 1793 के एक्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें, इफ यू एनालाइज 1793 एक्ट, पॉइंट नंबर वन, ट्रेड मोनोपोली नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए प्राप्त हो गई। पॉइंट नंबर टू, अगर इसको एनालाइज करते हैं, ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए मिलने के साथ साथ प्राइवेट लोगों को ट्रेड अलाउ किया गया, लेकिन 3000 टन तक, उससे ज्यादा नहीं कर। तीसरा पॉइंट, जो एक्सपेंडिचर है पेड बाय कंपनी, जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो कहां जाएगा, वह कंपनी का एक्सपेंडिचर जाएगा इंडियन रेवेन्यू में। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और स्टाफ का जो खर्चा है कौन देगा, इंडियन रेवेन्यू देगा। और एक्सपेंडिचर ऑफ क्राउन कहां आ गया, इंडिया पे आ गया। और अंतिम बात, जो फॉरेन पॉलिसी का इशू है, वह फॉरेन पॉलिसी का इशू गवर्नर जनरल के अधिकार में दे दिया गया। तो अगर हम इसको देखें एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड की तरफ से कि 1793 की एक्ट में इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या थी, इफ यू सी द इंपॉर्टेंट ट्रेंड ऑफ 1793, अगर हम 1793 के चार्टर्ड एक्ट का इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने की कोशिश करें, तो पहला क्या है, इंडियन जो रेवेन्यूज था वे टू स्पेंड फॉर ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इन इंग्लैंड। जो इंडियन रेवेन्यू है,
जब आप संपदा के दोहन को व्याख्यायित करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भारतीय राजस्व है वह इंग्लैंड के ऑफिस के लिए यूज होगा। इंग्लैंड के ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा। तो पहला महत्वपूर्ण ट्रेंड क्या देख रहे हैं 1793 में, अपार्ट फ्रॉम द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यह है कि जो इंडियन रेवेन्यू होगा या स्पेंड होगा फॉर ऑफिसर्स और ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट इन इंग्लैंड। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब चलो प्री का सवाल बनाते हैं 1793 के चार्टर्ड एक्ट का क्या क्या असर हुआ। ए, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। बी, 3000 टन तक अन्य को व्यापार की अनुमति मिली। सी, इंडियन रेवेन्यू से इंग्लैंड ऑफिस का खर्चा चलने लगा। डी, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। सीधे क्वेश्चन, ये सवाल है आपका, दिस इज द क्वेश्चन। 1793 के चार्टर एक्ट का क्या क्या असर हुआ। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना। द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द ट्रेड, पॉइंट नंबर टू। 3000 टन तक के लिए जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनको 3000 टन तक के लिए व्यापार शिपिंग की अनुमति मिली। तीसरा, इंडियन रेवेन्यू से इंग्लैंड का जो इंडियन रेवेन्यू था उससे जो इंडियन रेवेन्यू था उसको स्पेंड किया गया फॉर ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट इन इंग्लैंड। जो ऑफिसर्स थे और एस्टेब्लिशमेंट इंग्लैंड था उसका इंडियन रेवेन्यू से खर्च हुआ। चौथा, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। गॉट इट? आंसर ए, ओनली ए, बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। बोलिए, गिव द आंसर, गिव द आंसर। बोले एनीवन का आंसर? शुभम त्रिपाठी बी, आदित्य गर्ग बी, नरसिंह त्रिपाठी बी, सब लोग बी बोल रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि सी गलत है, डी गलत है, ओनली ए एंड बी इज राइट। अगर एक आदमी ए लिखेगा, एक बी, एक सी, एक डी, तो एक तो सही हो जाएगा। आप लोग लेक्चर सुनते क्यों नहीं हो ठीक से? ऊपर ही आंसर लिखा हुआ है, आंसर ऊपर ही लिखा हुआ है, सीधा आंसर। ट्रेड मोनोपोली, प्राइवेट ट्रेड 3000 टन, एक्सपेंडिचर बाय कंपनी टू 3000। तीसरा, रेवेन्यू इंडिया का यूज हुआ। और चौथा देखिए आप,
दो असर हुए, देखिए चौथा आंसर देखिए आप, यहां कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आप लोगों को? मैंने चार आपको तथ्य बताए, आप लोगों ने फिर गलत कर दिया। अगर तुरंत ही मैं पढ़ा रहा हूं, तुरंत ही आप सही नहीं हो रहा, एग्जाम में सही कैसे करोगे आप बताओ मेरे को? चार महत्वपूर्ण चीज हुई, देखिए कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार, ये तो मैंने अभी बताया, ये भी सही है। 3000 टन तक अन्य को, ये भी सही है। इंडियन रेवेन्यू से इंग्लैंड का ऑफिस खर्चा, ये भी चला। चौथा हमने लास्ट बताया कि दो प्रवृत्तियां थी, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, तुरंत ही मैंने बताया आप सही नहीं हो रहा है। अभी मैंने तुरंत ही बताया कि जो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस एक्ट से आते हैं, फर्स्ट इंडियन रेवेन्यू है वेयर स्पेंट टू बी स्पेंट फॉर ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट इन इंग्लैंड, दूसरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया वॉज कंसिडर्ड मैटर ऑफ नेसेसिटी, सत्ता का केंद्र, हल्का सा सवाल घूमता है, हैंडल ही नहीं होता आप लोगों से। एक तो आप लोग कहते हैं 1000 लोग देखते हो, आंसर करते हो 4-5 लोग, उन 4-5 लोग जो आंसर करते हो उसमें सब गलत कर देते हो, और वही सवाल कैसे गलत हो रहा है जो भी आंसर दिया गया है? इस तरह आईएएस नहीं हो सकता है। मैं आपको एक बड़ी चीज बार बार बता रहा हूं, आईएएस देने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास उस तरह के जज्बे नहीं है, उस तरह की ग्रास्पिंग पावर नहीं है। अभी तुरंत ही मैंने चार तथ्य बताए, सवाल बताया, आपने गलत कर दिया। हाउ यू आर थिंकिंग आई कैन बिकम आईएएस, कोई चांस ही नहीं आईएएस बनने का। मैं आपको बताता हूं कि मैं हर साल आईआरएस प्रोफेसर मेरे पास आते हैं जो साथ में हमारे काम करते हैं, उनकी जील से आप मैच नहीं कर सकते इस तरह से। वो लोग 14-15 घंटे पढ़ते हैं, और 14-15 घंटे पढ़ते हैं विथ फोकस और विथ इंटेंशन और विथ स्ट्रेटजी। आपको यही सवाल बताया जाता है, आप यही गलत कर देते हो। एक आदमी ने सिर्फ आंसर डी डी लिखा, दो आदमी ने, बाकी सब ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। ऐसे आईएएस नहीं हो सकते हो आप लोग। आप जो आदमी पढ़ाने आ रहा है उसकी आप हालत समझो, आप उसकी मेहनत को आप रिवॉर्ड करो ना। कोई हम कोचिंग तो यहां चला नहीं रहे, हमको पैसा कमाना है। कम ऑन 1813 30 नेक्स्ट चैप्टर आता है 1813 में। अब यहां पर कंपनी की डिक्लाइन जो पावर है वो डिक्लाइन करने लग जाती है, और यह कंपनी के पावर के डिक्लाइन के इरा का स्टार्ट होता है। यहां पे जो मोनोपोली थी ट्रेड एंड कॉमर्स में एबॉलिश हो गई, मोनोपोली ट्रेड एंड कॉमर्स में एबॉलिश हो गई। मैं बता रहा हूं आप में से एक आदमी प्रीलिम्स पास नहीं करेगा, जो सिचुएशन एज ऑन डेट है, एक आदमी प्रीलिम्स पास नहीं कर सकता है। जब सामने बताया सवाल आप सही नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत से लेक्चर तैयार होते हैं, सामने बताया जा रहा आपसे सवाल ही हैंडल नहीं हो रहा, कैसे पास हो गए आप? मोनोपोली इन ट्रेड एंड कॉमर्स एबॉलिश कर दी गई, पहला पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ कंपनी पावर इन 1813। दूसरा, जो इंडियन ट्रेड था, अब एबॉलिश से मतलब क्या हुआ हो गया, जो इंडियन ट्रेड था यह सारे इंग्लिश मर्चेंट को ओपन कर दिया गया, जो इंग्लिश ट्रेड था ये सारे इंग्लिश मर्चेंट को ओपन कर दिया गया, जो इंग्लिश ट्रेड था ये सारे के सारे इंग्लिश मर्चेंट्स को ओपन कर दिया गया। तो जो इंग्लिश मर्चेंट को ट्रेड थे वह एक पूरे ओपन कर दिए गए, तो जो इंग्लिश ट्रेड थे वह सब ओपन कर दिए गए। हम आ रहे हैं 1830 में, तो जैसे ही उन्होंने क्या हुआ, इंग्लिश जो इंग्लिश ट्रेड था ओपन टू ऑल, हर आदमी को 1813 में इंग्लिश ट्रेड वॉज ओपन टू ऑल, और कंपनी को अलाउ किया गया ओनली द मोनोपोली इन चाइना एंड टी। अब कंपनी की मोनोपोली किस में रह गई, टी में और चाइना में। जो चाइना के साथ व्यापार था और चाय का व्यापार था उसमें कंपनी की मोनोपोली रह गई, बाकी कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। तो आप कह सकते हैं 1813 में डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। अब यह सवाल अगर बनेगा तो 1813 और 33 के बीच बनेगा, दोनों के बीच एक फर्क है, 1813 में मोनोपोली खत्म हुई लेकिन
चाइना और टी के साथ रह गई। 1833 में कंप्लीट मोनोपोली फिनिश हुई। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन 1813 एंड 1833। तो जो उन्होंने कंपनी का जो एक रसूख था, रुतबा था, वह कम होने लग गया। कंपनी को अलाउ किया गया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटर, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए। नो मेजर चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के इशू में कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्या अच्छी बात हुई, इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है 1813 के साथ, इनिशिएशन ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी। यह सवाल बहुत आता है आपके एग्जाम में कि जो इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी है वह कब स्टार्ट हुई थी। तो जो इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी है वह स्टार्ट हुई थी 1830 में। इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। तो अगर यह सवाल आता है कि भारत में शिक्षा नीति की शुरुआत कब हुई है, तो आंसर है 1830 में इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी होता है। और यह कंपनी को डायरेक्ट किया गया कि 1,00,000 रुपया एनुअली खर्च करो, 1,00,000 रुपीज एनुअली। यह फैक्ट एनसीईआरटी में भी है, 1,00,000 रुपीज एनुअली, 1,00,000 रुपीज एनुअली खर्च करने के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड इंकरेजमेंट ऑफ द लर्नेड, इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर जो 1,00,000 रुपया दिया गया कि उसका पर्पस क्या था, कि साल का 1,00,000 दिया गया, कंपनी को डायरेक्शन दिया गया कि वह इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्नेड नेटिव्स ऑफ इंडिया एंड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ साइंस। इससे आप काम हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है, यह पैसा भी बहुत दिन तक नहीं दिया गया। तो जो कंपनी का 1813 का जो एक्ट था, उस एक्ट ने कई नीतिगत परिवर्तन कर दिए और इस एक्ट ने एक नई शैक्षणिक नीति की शुरुआत की। इस एक्ट ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह 1,00,000 रुपया वार्षिक किसमें खर्चा करे, साहित्य के पुनरुत्थान पर और पढ़े लिखे भारतवासियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और इसी एक्ट में एक चीज और आती है, क्रिश्चियन मिशनरी। एक महत्वपूर्ण चीज और आती है इसी एक्ट में, एक और महत्वपूर्ण आती है, क्रिश्चियन मिशनरी। जो क्रिश्चियन मिशनरी थी वह भारत में आना आरंभ हो गई। तो इस एक्ट से जो बहुत महत्वपूर्ण फायदा क्या हुआ कि इस एक्ट ने अंग्रेज व्यापारियों का रास्ता खोला और इसने ब्रिटिश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चीज हमारे सम्मुख प्रस्तुत की। तो इस जो 1813 का जो 1813 का एक्ट है वह 3-4 चीजों में बहुत महत्वपूर्ण है और इन महत्वपूर्ण चीजों के कारण जो 1813 का एक्ट है वह इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण काम रखता है। जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उनको अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, इंडिया में आने को अलाउ कर दिया। अब आइए समराइज करिए इसको कि 1813 के एक्ट में क्या क्या खास बात थी। 1813 एक्ट, पहला मोनोपोली, सेकेंड टी एंड चाइना, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, फोर्थ क्रिश्चियन मिशनरी,
इन चारों को मिलाकर सवाल बनाएंगे वो। आप इस गलतफहमी मत रहो कि आपसे कोई आसान सवाल पूछेंगे वो, पूछना भी नहीं चाहिए। इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा प्रतिष्ठा का एग्जाम है, आसान सवाल क्यों पूछा जाए? बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए। मैं इस हक के खिलाफ हूं कि आईएएस में आसान सवाल पूछा जाए। मैं आईएएस का पेपर बनाऊं, आप लोग 30 सवाल है, मैं 30 सवाल है ना सही करूं, आउट ऑफ बनाऊं मैं। दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है और देश का तो बहुत ही बड़ा एग्जाम है, उसमें आप लोग सिर्फ क्या करते हो, 100 रुपये का फॉर्म भर देते हो, एग्जाम देना चाहते हो। तो 1813 के एक्ट ने पहले क्या करे, 100 आप देखो कैसे एक सवाल पूछते हैं। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ डिके ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। या वो क्या करेंगे, इन चारों में से कुछ नहीं लिखेंगे, वो शब्द को चेंज करेंगे कि 1813 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के समापन की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया था। तो 1813 का एक्ट कंपनी के पतन की शुरुआत माना जा सकता है, उन्होंने इसको लिख दिया। अब आपको ये स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है कि यार शुरुआत पतन की शुरुआत कैसे है, तो सवाल तो गलत ही होगा ना उसमें। 20 साल के अधिकार मिला। दूसरा, उसे भारत से राजस्व प्राप्त करने का भी अधिकार, जो भारत का राजस्व था वह भी उनको अधिकार मिल गया, जो रेवेन्यू था। पांचवा, रेवेन्यू। पांचवा क्या है, रेवेन्यू, कि जो उन्होंने 20 साल का अधिकार दिया उस अवधि में भारत से राजस्व प्राप्त करने का, रेवेन्यू प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। शैक्षणिक नीति, शिक्षा नीति क्या थी, कि उन्होंने बोला कि कंपनी को निर्देश दिया कि 1,00,000 रुपया वार्षिक साहित्य के पुनरुत्थान सुधार के लिए पढ़े लिखे भारतीयों को प्रोत्साहन देने के लिए वो रखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, क्रिश्चियन मशीनरी को कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए भारत आने की अनुमति मिल गई और उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक द्वारा लाइसेंस दिए जा सकते थे। यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से लाइसेंस ले सकते थे। अभी मैं सवाल बनाऊंगा फिर गलत कर दोगे आप लोग। अब इसको सवाल पूछेंगे कैसे, लेट सी द क्वेश्चन। किस एक्ट के द्वारा भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज को आने की सुविधा मिली? ए 1793, बी 1813, सी 1833, डी 1853। यह टफ सवाल है, मैं इसको आईएएस सॉल्व नहीं मानता हूं, ये पीसेस का ही होगा। सर्वेश यादव फिर से क्या बता दें, सर्वेश यादव क्या क्या बता दें फिर से? एनीवन हैज द प्रॉब्लम, यू जस्ट राइट। आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि थोड़ा टफ चैप्टर है, आसान नहीं है। तो क्रिश्चियन मिशनरी को किस एक्ट के द्वारा भारत में क्रिश्चियन मिशनरी को आने की सुविधा मिली? आंसर क्या होगा, 1813। गॉट इट? किसी को कंफ्यूजन है? तो 1813 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है कि इस एक्ट से भारत में व्यापार करने के लिए जो अन्य अंग्रेज व्यापारियों के लिए रास्ता खुल गया था, जिसका फायदा क्या हुआ, आर्थिक दृष्टि से फायदा ब्रिटेन हुआ। अब क्या हुआ, जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति थी, ब्रिटेन की औद्योगिक, देखिए थोड़ा एनालाइज करना सीखिए अगर आईएएस बनना है तो, ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति थी उसके लिए कच्चे माल का बाजार खुल गया। जब तक आपके अंदर विश्लेषण पावर नहीं होगा आईएएस नहीं बन सकते हो। एक मेरी राय ये भी, आईएएस में तो आप पीसीएस दो अगर आपसे हैंडल हो रहा है। कच्चे माल का बाजार खुल गया, देखिए ये कोई डिप्रेसिंग टॉक नहीं है, रियलिटी चेक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि आपसे एनालिसिस नहीं हो रही है, जो लेक्चर है हमारा हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल आईएएस में दो।
आईएएस तभी दो जब आप मेरे लेक्चर को हैंडल कर सकते हो। मैं बार बार रिपीट करता हूं, जितने इलाहाबाद की कोचिंग्स हैं वो आईएएस का रिजेक्शन बनाती हैं, सिलेक्शन नहीं बनाती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सवाल किस तरह बनते हैं, सवाल कैसे बनाए जाने चाहिए। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर आपसे विश्लेषण नहीं हो रहा है, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, आईएएस बिल्कुल मत दो, बिना मतलब समय खराब करना होगा। जिसके पास 14-15 घंटे पढ़ने की ताकत हो, जिसके पास पूरी दून दीन दुनिया छोड़ने की क्षमता हो, जिसके पास विश्लेषण क्षमता विकसित करने का की हैसियत हो, वही इस एग्जाम को दे, बाकी कोई एग्जाम मत दीजिए आप लोग। तो क्या हो गया, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए हो गए। देखिए अब क्या हो गया, अगला सवाल बनाइए, किस एक्ट ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए रास्ता खोल दिया, किस एक्ट ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए रास्ता खोल दिया। और बनाइए इसको, चाहे जिस तरह सवाल बनाइए, किस एक्ट ने भारत को मुक्त व्यापार का क्षेत्र बना दिया। अब जो मैं पढ़ाया हूं उसमें सीधा सीधा इसमें कोई भी आंसर नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें सीधा सीधा कोई आंसर नहीं है। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तभी आंसर आ पाएगा, अगर आप इसको एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आंसर नहीं आएगा। आप चाहे जितना रट डालो, तो आपको जब तक ये विश्लेषण समझ में नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। अब 1813 से 1833 के बीच, लेट सी द पीरियड 1813 to 1833, इस पीरियड के बीच में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और कंपनी के क्षेत्रों का विकास हुआ, बहुत जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी गई, और क्या हुआ, इंग्लैंड में सुधार आंदोलन हुए, तो दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं 1813 से 33 के बीच। एक क्या है, क्षेत्र का विस्तार होता है, दूसरा इंग्लैंड में सुधार आंदोलन होते हैं, उसके कारण होता क्या है, उसके कारण से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक परिवर्तन आता है, और ब्रिटेन के इतिहास में जो घटनाएं घट रही थीं वह भारत के इतिहास को भी प्रभावित कर रही थीं। जो इंग्लैंड में एक राजनीतिक उदारता और संसदीय सुधार का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के कारण 1832 में जो रिफॉर्म एक्ट पास हो गया, तो जो इंग्लैंड में एक सुधार आ रहा था, तो 1832 का रिफॉर्म एक्ट पास हुआ। तो 1832 का रिफॉर्म एक्ट पास हुआ और 1833 में कंपनी का चार्टर फिर भारत में आया, और वह समय था जब बेंटिंक 5 साल शासन कर चुके थे। तो 1833 बेंटिंक और उनका 5 साल का शासन, बेंटिंक को हम लोग बहुत अच्छे तरह से याद करते हैं, 5 साल का शासन। Between 1813 to 1833, there was the expansion of the territory in India, and a reformist movement were going on in the England. In that point of time, in between these time, the certain activities had happened. और 1833 में कंपनी को चार्टर फिर प्राप्त होता है, और कंपनी के चार्टर के द्वारा भारत में फिर 20 साल के लिए अधिकार मिल जाता है। तो जो बेंटिंक ने एक एग्जिस्टेंस प्रोग्राम पर उन्होंने लॉन्च किया था, जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल और एजुकेशन रिफॉर्म थे, और उनके द्वारा 5 साल तक जो भारत को गवर्न किया गया था, इसके कारण एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत के परिवेश में आ रहा था। तो एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया उस समय कि अगर कंपनी शासन नहीं चलाती है तो भारत पर शासन किसे चलाना चाहिए, एक कंपनी की उपयोगिता पर बहस। इस दौरान
कंपनी की उपयोगिता पर बहस शुरू हो गई, कंपनी की उपयोगिता पर बहस स्टार्ट हो गई। इन दिस पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ डिबेट कि हाउ मच द कंपनी इज इन यूटिलिटी और नॉट। तो कंपनी की उपयोगिता पर बहस स्टार्ट हो गई और यह बात होने लगी अगर कंपनी शासन नहीं चलाती तो फिर भारत पर शासन किस चलना चाहिए। तो यह बात पहली बार सामने आने लगी, क्या संसद भारतीय प्रशासन अपने हाथ में ले, क्या संसद भारतीय प्रशासन अपने हाथ में ले। तो यह बात स्टार्ट हो गई कि क्या कंपनी भारतीय प्रशासन अपने हाथ में ले ले। अगर कंपनी भारतीय प्रशासन अपने हाथ में ले तो उसको कौन चलाएगा। लॉर्ड मैकाले ने कंपनी की ओर से वकालत की। अब किसने किया, लॉर्ड मैकाले। एक सवाल फिर बन गया, लॉर्ड मैकाले ने कंपनी की ओर से वकालत की। ही एडवांस द आर्गूमेंट, ही एडवांस द आर्गूमेंट, ही एडवांस द आर्गूमेंट, ही एडवांस द आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ द कंपनी। उन्होंने कंपनी के फेवर में आर्गूमेंट दिया और उन्होंने बोला कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास न समय है न आवश्यक ज्ञान है। 1833 का चार्टर एक्ट पास हो गया, 1833 का चार्टर एक्ट पास हो गया। तो यह जानना जरूरी है कि 1833 का चार्टर एक्ट किन परिस्थितियों में आया, और उन परिस्थितियों में जब आया तो किस आदमी ने चार्टर एक्ट के फेवर में बात की। तो लॉर्ड मैकाले ने चार्टर एक्ट के फेवर में बात की और 1833 का चार्टर एक्ट हमारे सामने आ गया। अब लेट्स सी 1833 चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट क्या बोलता है, 1833 का चार्टर एक्ट यह क्या बोलता है, मोनोपोली गॉन। 1833 के चार्टर एक्ट में जो मोनोपोली थी कंपनी की पूरी तरह से फिनिश हो गई, पूरी तरह से फिनिश हो गई, मोनोपोली गॉन। 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो जो कंपनी का एक अधिकार था 20 साल में चार्टर मिला, लेकिन जो कंपनी का व्यापार पर अधिकार था वह पूरी तरह से खत्म हो गया। जो चीन और चाइना पर अधिकार था वह अधिकार भी चला गया और कंपनी को ब्रिटिश शासक और उत्तराधिकारियों की ओर से भारत पर शासन चलाने का अधिकार मिला और अब कंपनी एक व्यापारिक संस्थान के रूप में इसके कार्यों का अंत हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यापारिक संस्थान के रूप में अंत हो गया, कंपनी का व्यापारिक संस्थान के रूप में अंत हो गया, कंपनी का व्यापारिक संस्थान के रूप में अंत हो गया। सवाल क्या बन गया, किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी का एक व्यापारिक संस्थान के रूप में अंत हो गया। तो कंपनी का एक व्यापारिक संस्थान के रूप में अंत 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा हुआ। तो कंपनी एक व्यापारिक संस्थान नहीं रह गई। अब क्या रह गई, कंपनी भारत की शासक रही लेकिन वह भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। अब क्या हो गया, कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, नो ट्रेडिंग। कंपनी भारत की शासक है लेकिन कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती है, तो कंपनी को पूरी तरह से व्यापार से आग से बाहर कर दिया गया। तो जो चीन के साथ एकाधिकार था वह भी खो गया। अब सभी व्यापारी चीन में व्यवसाय चला सकते थे। अब अगर 1813 और 33 को कंपेयर करो फिर आपको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे कि 13 में चीन से व्यापार नहीं कर सकते थे, 33 में चीन का मिल गया, क्योंकि कंपनी अब व्यापार कर ही नहीं सकती थी, कंपनी के सारे व्यापारिक कार्यों को खत्म कर दिया गया। अब जो भारतीय प्रशासन था उसको एक सेंट्रलाइज प्रशासन के रूप में लाने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए। जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल अब बंगाल कहा जाता था, उसकी सत्ता अन्य प्रेसिडेंसियों पर थी। तो 1833 में उसको नया मिला पदनाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 के द्वारा यह अब क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके पहले क्या था, वह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। 1833 में क्या आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
1833 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक नया पद सामने आता है। उस पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। और इस तरह जो जो कहते हैं, अगर हम एक वास्तविक कानूनी अर्थों में देखें तो विलियम बेंटिंक भारत को पहला गवर्नर जनरल माना जा सकता है। तो पहला गवर्नर कौन हुआ है, बेंटिंक। बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल, बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। तो इस जो एक 1833 परिवर्तन आता है उसमें बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर होते हैं, और बेंटिंक की जो सत्ता है वो बंगाल, बंबई, मद्रास पर सभी पर लागू होगी, वो सर्वोच्च हो गए। अब जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद थी उसको सारे देश में और सभी स्थानों पर और सभी विषयों पर सभी व्यक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार मिला। क्या मिला, हर जगह कानून बनाने का अधिकार, सारे देश पर, सभी व्यक्तियों पर और हर जगह पर कानून बनाने का उसको अधिकार मिल गया। लेकिन गवर्नर जनरल को ब्रिटिश शासक के अधिकारों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी गई थी और वह संसद के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता था। तो दो चीज और हो गई, संसद के अधिकार के अधीन था, संसद का अतिक्रमण नहीं कर सकता था, और ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जो 1833 में जो एक्ट बना, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, उसमें एक नया सदस्य शामिल किया गया, कानून सदस्य, लॉ मेंबर। पहली बार लॉ मेंबर कब आया, 1833 में। कौन आया, मैकाले आए। इस मैं आपका लेक्चर स्ट्रक्चर करने में मुझे लगता, मुझे पढ़ने में जितना समय लगता है ज्यादा लगता है मुझे कम से कम 45 लगता है लेक्चर स्ट्रक्चर करने में, कैसे मैं सवाल आपके लेक्चर में डालूं। तो फिर सवाल क्या हो गया कि 1833 के एक्ट के द्वारा एक नया मेंबर सदस्य जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ गया। ए न्यू मेंबर वॉज इंट्रोड्यूस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हु वॉज अ न्यू मेंबर, मैकॉले। वॉट इज डिजिग्नेशन, ही वॉज द लॉ मेंबर। तो मैकॉले पहले कानून सदस्य के रूप में भारत आया। तो एक सवाल क्या बन गया कि पहला कानून सदस्य भारत में कौन आया था, किस एक्ट के द्वारा आया, उसका नाम क्या था। तो मैकाले पहले कानून सदस्य के बारे में आए, और यहीं से भारत में ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक विभाग की शुरुआत होती है। अब देखिए, अब सवाल बनाइए, फिर बनाइए सवाल, लेट अगेन मेक अ क्वेश्चन। किस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा भारत में भावी कानून बनाने की शुरुआत होती है। ए 1793, बी 1813, सी 1833, डी 1853। तो जो ये कानून बनाने की शुरुआत कैसे हो रही है, मैकाले के आगमन के साथ भारत में एक जो एक नया कानून सदस्य आता है, तो कानून सदस्य के आने के कारण भारत में एक विधि निर्माण की नई प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और केंद्र सरकार ने जो प्रेसिडेंसी सरकारों और करों से जो खर्च संबंध थे, पहले के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। यह अगर हम इसको और एनालाइज करें तो यह जो एक्ट था 1833 का, इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह एक राजनीतिक संगठन में बदल दिया। इट हैज कन्वर्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ए कंप्लीट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। तो उसने एक राजनीतिक संगठन के रूप में बदल दिया। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें 20 साल का अधिकार नहीं मिलता है। इसमें क्या कहा जाता है, जब तक कंपनी चाहे। 1853 के एक्ट में आप अगर देखें तो 1773 से 20-20 साल का मिल रहा था, लेकिन 1853 में 20 साल का नहीं दिया गया।
यह क्या दिया गया कि जब तक कंपनी चाहे, तो रिन्यूअल के बारे में कहा गया कि यह तब तक चलेगा जब तक सरकार चाहेगी। और जब 1853 आया उसमें डलहौजी का शासन था और उन्होंने विजय पाने की अपनी आकांक्षा उनकी बलवती हो रही थी। कंपनी सरकार चाहती थी कि भारत में कंपनी का कंट्रोल बना रहे और कंपनी यह व्यवस्था इसलिए की गई कि उस समय ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश शासन कुछ अपने दूरगामी लक्ष्यों की तरफ सोच रहा था। दूसरी बात क्या आ गई 1853 में, जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स संख्या थी 24 से घटाकर 18 कर दी गई। संख्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की 24 से घटा के 18 कर दी गई, इसको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 24 to 18 इसको कर दिया गया। और इस एक्ट के साथ एक खास बात क्या थी, जो लॉ मेंबर था गवर्नर जनरल काउंसिल का, उसको राइट टू सिट ऑन वोट इन एग्जीक्यूटिंग मीटिंग में पावर दिया गया, जो उसके पास पावर नहीं था 1833 में। जो लॉ मेंबर आया था उसके पास राइट टू वोट और एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठने का अधिकार नहीं था, यह अधिकार 1853 में दे दिया गया। 1858 में ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, 1858 में ट्रांसफर ऑफ पावर होता है और ब्रिटिश जो ताज है वह कब्जा कर लेता है भारत के शासन पे, और गवर्नर ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है ब्रिटिश क्राउन का। और जो एक्ट वेस्ट करता है गवर्नर जनरल में सारी पावर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1858 में क्वींस का प्रोक्लेमेशन होता है, ग्रैंड दरबार होता है इलाहाबाद में, ग्रैंड दरबार होता है इलाहाबाद में, ग्रैंड दरबार इलाहाबाद में होता है और रानी के नाम पर एक अध्यादेश पढ़ा जाता है। और जो ब्रिटिश राज बोलता है कि जितनी ट्रीटीज एंगेजमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने की है उस सब के सब का हम रिस्पेक्ट करेंगे। और कैनिंग जो है, जैसे पहले गवर्नर बेंटिंक हुए, कैनिंग पहले वायसराय होते हैं, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय होते हैं, उसके बाद आता है 1861 में कहा जाता है तो ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट का इंट्रोडक्शन होता है। तो 1861 में जो इंडियन, ये क्या है, अभी चार्टर एक्ट खत्म हो गए, ये क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया, इट इज इंडियन काउंसिल एक्ट। अब 1833 के बाद जो स्टार्ट होता है वह इंडियन काउंसिल एक्ट स्टार्ट होता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 होता है इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है। इसके खास बात क्या है, ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट अगर आता है, किस एक्ट के द्वारा ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट स्टार्ट हुआ, तो आंसर क्या होगा, 1861। क्यों कहा जाता है, एडिशन ऑफ सर्टेन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, आप ये भी याद रखिए, बट रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते इनको, आप दे कांट बी कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव, नो दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव द कंट्री। तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो जो सर्टेन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो एंट्री होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन 1861, उसके कारण कहा जाता है कि ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट हैज बीन स्टार्टेड बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव। ये मेंबर नॉमिनेट होते थे और इनका फंक्शन क्या था, ये कन्फाइन होता था सिर्फ लेजिस्लेटिव प्रपोजल के कंसिडरेशन पे, और यह किसी भी मामले में कुछ नहीं कर सकते थे, ये किसी तरह क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते थे। तो इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, इनके पास कोई अधिकार नहीं था। अगर हम इसको, इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस को समझने की कोशिश करें जो 1861 में था, तो गवर्नर जनरल के पास ओवरराइडिंग पावर थी, वह प्रायर सैंक्शन देता था। अगर हम इसको देखें, गवर्नर जनरल प्रायर सैंक्शन देता था 1861 आप बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी पॉलिटी के लिए भी। तो 1861 क्या होता था कि गवर्नर जनरल प्राइवेट सैंक्शन देता था सर्टेन मैटर्स के बिल में गवर्नर जनरल प्रायर सैंक्शन देता था। ए
बी। तो 1861 पहली बात क्या हो गई कि ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट आया, चूंकि एडिशनल ऑफ सर्टेन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आए, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे और गवर्नर जनरल के पास बड़ी एक्सक्लूसिव पावर थी। वह कई मामलों पर अपनी प्रायर सैंक्शन दिया करता था, वीटो था उसके पास, ही कैन वीटो एनी विल, वीटो पावर था उसके पास, ही हैज द वीटो पावर। वीटो पावर होने के कारण वह किसी भी बिल को रोक सकता था। तीसरी बात, जो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, ही कैन इशू द ऑर्डिनेंस, ही कैन इशू द ऑर्डिनेंस। तो 1861 में पॉपुलर एलिमेंट आता है, लेकिन साथ में आप ये भी याद करिएगा, नाउ 1892 इसमें जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर आते हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर को रिटेन की गई, इसको जब बनाते समय क्या गया, मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स रिटेन्ड, मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स रिटेन्ड। अगर ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी है तो आप करोगे क्या, कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि जो उन्होंने लोगों को भर्ती किया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो नॉमिनेट कहां हो रहे थे, बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स से, प्रोविंशियल काउंसिल से, यूनिवर्सिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, वहां से उनको इंडक्ट किया जा रहा था। और इनको एक पावर दी गई, क्या पावर दी गई, यह डिस्कशन की पावर दी गई। तो जो ये लोग इंडक्ट हुए, तो अगर आप दो चीज देखें, एक क्या हुआ, बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स, प्रोविंशियल काउंसिल, यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहां के लोग उसमें शामिल हुए, नॉन ऑफिशियल मेंबर इनका रिप्रेजेंट हुआ। दूसरा, काउंसिल्स वेयर टू हैव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एनुअल, जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो एनुअल स्टेटमेंट था उस पर वो डिस्कशन कर सकते थे, जो बजट था उस पर एड्रेस कर सकते, क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो यह एक्ट नोटेबल है इट्स ऑब्जेक्ट विच ऑज, जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। तो यह आपका 1892 तक का आपका संवैधानिक विकास है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ नहीं पाओगे। नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ने के लिए इतना समझना बहुत जरूरी था। अगर आप यह नहीं समझ पाओगे, नेशनल मूवमेंट आपसे हैंडल बिल्कुल नहीं होगा। अब नाउ हियर वी स्टार्ट द नेशनल मूवमेंट, व्हाई, ए क्वेश्चन मस्ट कम इन योर माइंड कि व्हाई दीस पॉइंट्स हैज बीन टॉट टू अस, कि हमको समझाया क्यों गया। जब हम 1885 के बाद क्या राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन में जो गतिविधियां हैं वह पिछले उन ब्रिटिश शासन काल के समय की गई समस्याओं को संदर्भित करते हैं। कि राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए हमको 1793, 1813, 1853, 1853, 1858, 1861, 1892 ये हमको जानना चाहिए। अब लेट्स क्रिटिसाइज समथिंग। जो उन्होंने एक लाख रुपया दिया, लेट्स क्रिटिसाइज समथिंग, क्या क्या खास बात थी। जो 1 लाख रुपया दिया गया, वह 1 लाख रुपया भी कई वर्षों तक नहीं दिया गया। वह 1 लाख रुपया जो दिया गया वह भी कई वर्षों तक नहीं दिया गया। शिक्षा के पुनरुत्थान पर कोई कार्य नहीं किया गया। एक जितने ये एक्ट बने हैं, ये सारे एक्ट प्रक्रियावादी थे। और जो 1813 के एक्ट थे, ये क्या करे, संपदा के दोहन के सिद्धांत को, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और जब प्रारंभिक राष्ट्रवादी अपना आंदोलन स्टार्ट करते हैं, तो उनकी अटैक में सबसे पहले क्या होती है, सबसे अटैक करते हैं संपदा के दोहन के सिद्धांत को। जो ब्रिटिश शासन का प्रतिक्रियावादी चेहरा इन एक्टों से उधर रहा है, उस पर अटैक करते हैं और संपदा के दोहन के सिद्धांत को वो तार तार कर देते हैं। उन्होंने उस समय आय और व्यय का कोई, उस समय प्रति व्यक्ति आय के बारे में कोई समझ नहीं थी। तो उन्होंने जेल के कैदियों पर खर्चा, जेल के कैदियों पर हुए खर्चे,
खर्चे से जीवन को व्याख्यायित करने की कोशिश की। आज के संदर्भों में, आज के संदर्भों में व्यक्ति के ऊपर कितना खर्चा होता नहीं होता, उस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। तो जेल के कैदियों को खर्चे से उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि ब्रिटिश शासन का उदारवादी चेहरा, ब्रिटिश शासन का उदारवादी चेहरा बेनकाब कर दिया। उदारवादी चेहरा था भी नहीं, लेकिन वो एक दावा करते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन का जो उदारवादी चेहरा था उसको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। और उनका यह कहना था कि जो यह उदारवादी चेहरा है वह बहुत ही भयावह चेहरा है। अब कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, हम अब कांग्रेस की स्थापना से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना किस तरह हुई, कैसे हुई, हमने इस बारे में बहुत विस्तृत चर्चा पिछले अपने व्याख्यान में की हुई है। अब उसी समय सुरेंद्र नाथ को आईसीएस से निकाल दिया गया। 1870 के दशक के आरंभिक वर्षों में आईसीएस, देखो क्या आईसीएस बना बहुत मुश्किल था। ये एग्जाम जो आईसीएस आईएएस है ये हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। ये आम आदमी के कंट्रोल के बाहर रहा है, हमेशा ये आम आदमी के कंट्रोल बाहर रहा है। बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोग इस एग्जाम को दिया करते थे। अब उस समय क्या था, उस समय जो 1870 का दशक था, देखिए 1853 में एक चीज छूट गई, 1853 के एक्ट में जो हमारी जो सिविल सेवा परीक्षा है, वह सिविल सेवा परीक्षा पहले कौन देता था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लोगों को नियुक्त करती थी। 1853 में वह ओपन कंपटीशन हो गया, छूट गया चीज। तो 1853 में यह ओपन कंपटीशन हो गया। तो 1870 में जब भारतीयों ने देना शुरू किया उस दशक में, तो क्या होता था, बाहर जाना पड़ता था, इंडिया में रहकर आप पढ़ नहीं सकते थे, तो वहां पर जाकर तैयारी करनी पड़ती थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईसीएस से निकाल दिया गया, कुछ उम्र का इशू खड़ा करके सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईसीएस से बाहर कर दिया। वो आईसीएस सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन कुछ उम्र का कुछ बहाना बना के कुछ इशू उनको बाहर कर दिया गया। अब उनको जब बाहर कर दिया गया तो उस पर लोगों के अंदर एक आपत्ति शुरू हो गई। जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि कौन से महत्वपूर्ण संगठन थे जो कांग्रेस के पहले थे, इसको आप याद करिए करिए, ये हमेशा आता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन थे जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन थे, यह सवाल बहुत आता है। पूना सार्वजनिक सभा, और उसका आता है क्रम पूना। अगर आप देखिए, मैं हर चीज रिपीट करता हूं लेकिन उसके बाद भी आपको सही नहीं होता, इतनी निराशा होती, मैं क्या बताऊं, कितनी मेहनत से लेक्चर तैयार करो, आपसे सही नहीं होता। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, यह दो महत्वपूर्ण थी, यह दो संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण थी, पूना सार्वजनिक एसोसिएशन। और इन्होंने प्रशासनिक सेवा और प्रेस एक्ट के मुद्दे पर अखिल भारतीय आंदोलन किया। 1877-78 में अखिल भारतीय आंदोलन किया। इन्होंने 1877-78 में अखिल भारतीय आंदोलन किया, और इन्होंने प्रशासनिक सेवा और प्रेस एक्ट के मुद्दे पर किया। मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कई बार सवाल बना देते हैं कि यह संस्थाएं क्रम से सजाइए, एक एक दो
तीन चार दे दिया, किन संस्थाओं को क्रम से सजाइए। और फिर पूछ लेंगे अखिल भारतीय आंदोलन किस मुद्दे पर 87-88 में किया गया था, और इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में 1883 और 85। अब इंडियन एसोसिएशन जो थी इसमें 1883 और 1885, इसने दो वर्षों में अपना एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया, राष्ट्रीय सम्मेलन किया, नेशनल कन्वेंशन किया, राष्ट्रीय सम्मेलन किया। 1883-85 में इंडियन एसोसिएशन ने राष्ट्रीय सम्मेलन किया, और 1898 में डब्ल्यू सी बनर्जी के एक वक्तव्य ने यह एक अनावश्यक विवाद का जन्म दिया कि ह्यूम डफरिन की सीधी सलाह पर काम करते थे, जहां को मैंने काउंटर करने की कोशिश की लास्ट टाइम में। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आज के लिए। हम कल कांग्रेस के उस बात को शुरू करेंगे कि जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस का उदार पंथ बनाम उग्र पंथ है। जब कांग्रेस 1890 तक डिस्कस किया हुआ है, 1890 के बाद खासकर जब तिलक का आविर्भाव होता है तो वो लोग कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने लगते हैं, और वो कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं है, यह तीन दिन का तमाशा है। कांग्रेस क्या है? तीन दिन का तमाशा है। यह भी कभी आ चुका है, किसने कहा है कांग्रेस तीन दिन का तमाशा है? तो अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस तीन दिन का तमाशा है। यह भी सवाल आ चुका है, किस नेता ने कहा कि कांग्रेस तीन दिन का तमाशा है? तो जो क्या होता था कांग्रेस का, तीन दिन का होता था अधिवेशन। यह भी सवाल आ चुका है कि कांग्रेस का अधिवेशन कितने दिन का होता था? त्रिदिवसीय, थ्री डेज, तीन दिन का कांग्रेस का अधिवेशन हर साल हुआ करता था, और प्रत्येक वर्ष के अंत में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसमें राजनीतिक सभा के साथ ही एक महान राजनीतिक सामाजिक अवसर था, टाइम पास होता जाता कुछ नहीं था। अगर हम उग्रपंथियों के की भाषा में बोले, जो बोलते थे कि होता जाता कुछ नहीं था, एक राजनीतिक महासभा होता क्या था, प्रत्येक में क्या एक प्रस्ताव पास कर दिया, अपनी शिकायतें रख दी, अपनी राजनीतिक मांगे रख दी, होती क्या थी, मांगे होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सुधार, मुख्य मांग हुआ करती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सुधार। अगर सबसे ज्यादा काउंसिल में सुधार, अगर हम सबसे ज्यादा मांग देखें तो उनकी सबसे ज्यादा मांग होती थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सुधार होना चाहिए, इसी बात में लगे होते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह से सुधार हो जाए, इसके अलावा कोई खास काम लोग नहीं किया करते थे, और यह स्थानीय निकायों, चैंबर्स, कॉमर्स में सम्मिलित होने की बात किया करते थे, जो इनका तात्कालिक परिप्रेक्ष्य था। यह स्वायत्त शासन जनतंत्र से दूर थे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑटोनॉमी, द डेमोक्रेसी, दे हैव नो इंटरेस्ट, द मेजर इंटरेस्ट इन द रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल, नथिंग एल्स। अगर इनकी इन बातों को देखकर अगर हम प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की मांगों को देखें, चलिए एक अब देखते हैं कि इनकी मांगे थी क्या। यह सवाल बहुत आता है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की मांगे क्या थी, कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद थे, हम इस समय 1885 से 1905 तक की यात्रा कर रहे हैं, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उनकी मांगे थी क्या, वो मांगते क्या थे, वो चाहते क्या थे, उनका लक्ष्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, किस बात को लेकर लड़ रहे थे, किस बात के लिए हर साल वो कांग्रेस का प्रशासन करते थे। अगर इनकी मांगों को देखें तो सब क्या थी, ये चाहते थे कि स्वायत्त शासन या स्वराज जैसा इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों में है, तो स्वायत्त शासन या स्वराज जो इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों में है, इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों की तरह, लाइक द अदर कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड, एक सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। इनका ब्रिटेन को बाहर करने का कोई लक्ष्य नहीं था। दूसरा, प्रशासनिक सुधारों की मांग करते थे, सेवाओं का भारतीकरण,
इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट की सेवाओं का भारतीकरण हो, प्रशासनिक सुधार हो। और यह जो मांग थी, यह क्या पूरे देश की मांग थी या एक छोटे मोटे अभिजन समूह को संतुष्ट करती थी? इट्स ओनली सेटिस्फाइंग द इलीट क्लास और इट वॉज ट्राइंग टू सेटिस्फाई ए लार्जर मासेस ऑफ द पीपुल। तो यह उन्होंने ICS परीक्षा को इन्होंने काफी मांग करने की कोशिश की कि भारतीयों को मिले, लेकिन यह भारतीयकरण से नस्लवाद पर प्रहार हो रहा था। इसको आप कह सकते हो कि सेवाओं का भारतीयकरण यह एक इलीट क्लास की मांग थी, लेकिन अगर आप इसको और एनालाइज करो तो क्या था, यह नस्लवाद पर प्रहार था। दे आर अटैकिंग ऑन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे अटैक था। तो नस्लवाद पर वह एक तरह का प्रभाव डाल रहे थे कि कैसे नस्लवाद को तोड़ा जाए। अब चूंकि जो संपदा का, जो संपत्ति के दोहन का सिद्धांत था, अगर आप सेवाओं का भारतीकरण कर रहे हो तो संपत्ति के दोहन के सिद्धांत पर अटैक कर रहे हो। क्यों? कि मोटी मोटी तनख्वाहें ब्रिटिश हुक्मरान ले जाया करते थे, अगर भारतीय ज्यादा आएंगे तो संपत्ति के दोहन के सिद्धांत पर अटैक होगा। क्योंकि हमारी हमारे देश से तनख्वाह और पेंशन बाहर जाया करती थी और यह हमारी एक संवेदनशील मांग थी। वह स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते थे, जूरी से मुकदमों की सुनवाई की बात करते थे, आर्म्स एक्ट की बात करते थे कि आर्म्स एक्ट वापस लिया जाना चाहिए, भारतीयों को अधिक उच्च पदों पर आप नियुक्त करो। यह सब नस्ली समानता की मांग थी। जो अधिवेशनों में मुद्दे उठाए जाते थे वो समस्त मुद्दे जो देश की गरीबी और संपत्ति के दोहन से जुड़े थे, जो मुद्दे उठाए जाते थे वह देश की गरीबी से थे, देश की गरीबी से थे, संपत्ति के दोहन से थे। तो इट वॉज रिप्रेजेंटिंग द इश्यूज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पॉवर्टी एंड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो नस्ली समानता, नागरिक अधिकार, हथियारों को रखना, देश की गरीबी, संपत्ति की दोहन, इन सारे के सारे प्रस्तावों से यह कहा जा सकता है वह देश की एक व्यापक मांग को का प्रतिनिधित्व जरूर कर रहे थे। हमारे यहाँ बार बार जो पड़ती अकालें थीं, उन अकालों का कारण क्या था, अकालों की जांच की जानी चाहिए। घरेलू मद में जो सैनिक खर्चों में कमी की जानी चाहिए, अगर सैनिक खर्चा देखिए, सैनिक खर्चा लगातार बढ़ता रहा है, सैनिक खर्चा लगातार बढ़ता रहा है। इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, तो जो सैनिक खर्चे हैं अगर हम उसको फिगर में देखने की कोशिश करें तो सैनिक खर्चे हमारे वित्तीय बोझ को लगातार बढ़ाते रहे हैं। 1881-82 में था 41.9%। किसका 41.9%? हमारे पूरे राजस्व का, हमारे पूरे राजस्व का 41.9% था। 10 साल बाद 91-92 में 45% हुआ, 91-92 में 10 साल बाद यह 45% हुआ, और 0405 में 54% हुआ। तो जो हमारा राजस्व का जो सॉरी 51.9 अब यह जो कितनी भयावह तस्वीर है कि हमारे पूरे राजस्व का जो सैनिक व्यय था 81-82 में था 41.9%, 10 साल बाद 1891-92 हो गया 45.4%, 1904-05 में जो कर्जन करेंगे 51.9% हो गया। जो ब्रिटिश शासन की सैन्य नीति थी वह जो औपनिवेशिक शासन को समझने में एक महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करती है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। दूसरा, जो भारतीय और गोरे सैनिकों का फर्क था, भारतीय और गोरे सैनिक का फर्क,
डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर, गोरे सैनिकों का फर्क। अगर हम इसको देखें, भारतीय और गोरे सैनिकों के फर्क को हम देखें, तो जो भारतीय और गोरे सैनिकों का फर्क था, यह एक अलग बात हमको समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह फर्क था। 1895 में थोड़ी सी वेतन वृद्धि जरूर हुई थी, लेकिन जो भारतीय सेना का जो पैदल सिपाही था वो पाता था 9 रुपीज पर मंथ, इंडियन पाता था 9 रुपीज पर मंथ। जो भारतीय सेना का जो पैदल सिपाही था वो पाता था 19 रुपीज पर मंथ, जबकि अंग्रेज सिपाही पाता था 24 रुपीज, इंग्लिश पाता था 24। तो अगर वेतन का फर्क देखिए तो बड़ा ज्यादा फर्क था। और यह फर्क क्या बताता है? संपदा के दोहन के सिद्धांत को ही बताता है। तो जो एक वित्तीय बोझ बढ़ा था, वित्तीय बोझ, अगर हम वित्तीय प्रशासनिक बोझ देखें, वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को अगर हम देखें, तो वित्तीय और प्रशासनिक बोझ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और जो 1873 में सोने की तुलना में 1873 में सोने की तुलना में चांदी, इन कंपैरिजन टू द गोल्ड, जो चांदी था, द सिल्वर था, सोने की तुलना में चांदी के अवमूल्यन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नुकसानदायक असर पड़ा। तो अगर हम प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की बातों को समझने की कोशिश करें, तो तकनीकी शिक्षा की बात करते थे, आबकारी की बात करते थे, वह किसानों की उपज बेचने की बाध्यता की बात करते थे, और आरंभिक कांग्रेस की गतिविधियां केवल अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो समूह थे और अंग्रेजी और जमींदारों और उद्योगपतियों की जो चिंता थी वहां तक सीमित नहीं था। जो विदेशों में भारतीय कुलियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, जो वन प्रशासन के इशू थे, वह सारे के सारे इशू उन्होंने उठाए। तो हम यह नहीं कह सकते कि जो हमारे आरंभिक राष्ट्रवादी थे, वो हमारे आरंभिक राष्ट्रवादी किसी भी तरह से अभिजन वर्ग को करते थे। तो 1891 से 1895 में उन्होंने वन कानून की हर साल भर्त्सना की। उन्होंने जो इंडियन एसोसिएशन था उसने चाय बागान के मजदूरों की बात की। तो नरेंद्री कांग्रेस की जो आलोचना थी उसके कारण जो उनके लक्ष्य थे, उनकी कार्य पद्धति थी, उसने निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन पर कहीं कहीं ऊपर कोई प्रभाव डाला। मेघा से आज कल इतना बहुत है। देखिए, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो बड़ी समस्या होगी, कुछ नहीं हो पाएगा। यह एक बहुत निराशा की बात है कि आपके सामने ही सवाल लिखे होते हैं, जवाब नहीं दे पाते हो आप लोग। हल्का सवाल घूमता है, हैंडल नहीं होता है। मैं आपको फिर राय दे, मैं बहुत स्पष्ट राय देता हूँ। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं एग्जाम देने के बारे में, मैं उनको बताता हूँ आप एग्जाम दो या न दो। अगर आप 3-4 चीज नहीं कर सकते हो, एग्जाम बिल्कुल मत दो। अगर आप अंग्रेजी नहीं थोड़ा सा ठीक कर सकते हो, वर्केबल इंग्लिश नहीं कर सकते हो, सीसेट ठीक नहीं कर सकते हो, 12-13 घंटे पढ़ नहीं सकते हो, आप एनालिसिस पावर डेवलप नहीं कर सकते हो, आप एग्जाम बिल्कुल मत दो, नहीं होगा। आप किसी और एग्जाम को दो। मैं हमेशा अपने एस्पायरेंट को एक सलाह देता हूं, यह एग्जाम बहुत अच्छा है, आपको एक डिफरेंट पर्सन बना देता है, आपके अंदर एक डिफरेंट एबिलिटी को इनकलकेट कर देता है, शहर में, देश में, समाज में बहुत सम्मान देता है। लेकिन उसकी कीमत है, उसकी कीमत आप देने को उसको सोचिए। अगर आप सामने लिखे गए सवाल का आंसर नहीं कर पा रहे हो, जवाब ऊपर नीचे ऊपर लिखा है, सवाल नीचे, अगर वो आंसर नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है। कोई एग्जाम, कोई अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में कोई एक करिश्मा नहीं होगा कि आप सारे सवाल वहां सही कर दोगे। अगर आपके सवाल यहां सही नहीं हो रहे, वहां भी सही नहीं होंगे। तो आप अपने को सुधारने की कोशिश करिए। मेरे कोर्स पूरा करने से कुछ नहीं होगा, हम तो कोर्स पूरा कर देंगे, बहुत हाई स्टैंडर्ड पे कर देंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको, एग्जाम तो आपको देना है। इसलिए आप कोशिश करिए कैसे इंप्रूव करें। अगली क्लास है एट 6 o'clock पॉलिटी, हम लोग उसमें फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।